औरंगाबाद में चोरों ने बीती रात कटर से काटकर एक एटीएम की चोरी कर ली है। चोरी की इस घटना में एटीएम में रखे कुल 4,47,000 रुपये की चोरी की बात सामने आ रही है। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के रानी कुमार स्थित बैंक ऑफ के एटीएम से जुड़ा है। एटीएम प्रबंधन से जुड़े लोगों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद मदनपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे मदनपुर थाना अध्यक्ष ने पूरे मामले की जाँच की और एटीएम परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जाता है कि रात लगभग 1:31 पर एक लग्जरी वाहन से चोरों का यह गिरोह एटीएम के पास पहुंचा। 1:35 पर गाड़ी से एक चोर उतरा और एटीएम में प्रवेश किया। बाद में उसने सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर कटर मशीन से काटकर उसमें रखे रुपए की निकासी कर आराम से चलते बना। सुबह 6 बजे सूचना मिला कि एटीएम का कटर से बोल्ट काट के कैश चोरी कर लिया गया है। उसके बाद हम लोग ने सभी लोगों को सूचना दिया और फिर हम लोग साइट पर आए। सर लोग FIR कर रहे हैं, SHO साहब भी आकर देख कर गए हैं, साइबर सेल भी आया था। तो FIR करने के बाद आगे की प्रक्रिया जो भी है। शुक्रिया।